हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि व्हाट इज़ कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप टू। कंपैरिजन टेस्ट टाइप वन का मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, आज टाइप टू का करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। पहले एक प्रूफ देखेंगे बेटा। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। ये ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स क्या है बच्चों? देख रहे हो, आपके इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी चला गया, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है। तो ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होगी कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की? वेयर एफ इज अ पॉजिटिव फंक्शन इन द इंटरवल ए टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए इज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट ए टू एम एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम, फॉर ए टू एम एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये बेटा आपको प्रूफ करनी है पहले कंडीशन, ठीक है? यहाँ पे एक्स आएगा, राइट? ये आपको प्रूफ करना है पहले। ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है आपकी फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। तो बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कैपिटल एफ एक्स मान लिया इसी वाले इंटीग्रल को जिसको मुझे लेस देन इक्वल टू एम शो करना है। तो ए टू एक्स एफ डी एक्स इंटरवल को मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये मैंने जो है पहले इसको एफ एक्स मान लिया, ठीक है? अब देखो क्लियरली एफ इज़ वेल डिफाइंड नॉन नेगेटिव, क्योंकि स्मॉल एफ मुझे मैंने ले रखा है, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो हमारे पास कैपिटल एफ भी नॉन नेगेटिव आ गया। मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए एक्स वन और एक्स टू, और दोनों के दोनों इंटरवल ए से एक्स के अंदर हैं, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। कोई भी दो पॉइंट ले लिए, ठीक है? अब दो पॉइंट बच्चे जब भी होंगे तो नेचुरल सी बात है एक बड़ा और एक छोटा होता है। मैंने ले लिया कि एक्स वन छोटा है मेरा एक्स टू से, ठीक है? फिर मैंने क्या किया बच्चों, जहाँ मेरी पेंसिल है वहाँ देखेंगे बच्चों, मैंने एफ एक्स वन निकाला। देखो ये जो मेरा एफ एक्स था, इसमें एक्स को एक्स वन डाल दो तो मेरा क्या आ जाएगा, ए से एक्स वन एफ डी एक्स। एक्स को एक्स टू डालोगे तो क्या आ जाएगा, ए टू एक्स टू एफ डी एक्स। ये जो इंटरवल मैंने ऊपर कैपिटल एफ एक्स चूज किया था ना, इसमें एक्स को एक बार एक्स वन डाल दिया, एक बार एक्स टू डाल दिया, और फिर यहाँ पर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन में मैंने फिट किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए एक्स टू एफ डी एक्स माइनस ए एक्स वन एफ डी एक्स। अब देखो बेटा एक्स टू बड़ा है, एक्स वन छोटा है, तो एक्स टू वाले में इंटीग्रल में से एक्स वन वाला माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स वन टू एक्स टू एफ डी एक्स बच जाएगा। अब f जो है नॉन नेगेटिव आपको दे ही रखा था, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो आएगा आपका x1 से x2 के अंदर, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वेन एवर एक्स टू इज ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये तो हमारी कंडीशन अभी भी है ना, एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू, तो मतलब अगर आपका एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन है तो एफ एक्स टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वन आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। बच्चों आपको बताएं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है मेरे पास कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो आ गया, अब ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये बाउंडेड अबव होगा। तो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। बच्चों सारा प्रूफ इफ एंड ओनली इफ में चल रहा है, इसलिए कन्वर्ज अपने आप प्रूफ होता जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास ये कब होगा, जब ये बाउंडेड अबव आएगा। तो ये फंक्शन कैपिटल एफ कन्वर्ज करना, मतलब ये वाली डेफिनेशन होल्ड करना, ये हमारी डेफिनेशन ही है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू में आप क्या करते थे, इधर देखो जरा, ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स है, अगर इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है तो मैंने कहा कि किसने प्रॉब्लम करी, इन्फिनिटी ने, तो इस इन्फिनिटी को ही हटा दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो, और फिर इस एक्स को क्या करो, इसे ले जाओ इन्फिनिटी पर। तो हम ये लिमिट फाइंड करते हैं ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है तो हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू इज कन्वर्जेंट। तो हमें पता चला कि ये कब कन्वर्ज करेगा, जब ये लिमिट फाइनाइट होगी। ये लिमिट फाइनाइट कब होगी, जब फंक्शन बाउंडेड होगा। बाउंडेड की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, कि बाउंडेड अबव बनाना है तो अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड की तरफ ग्रेटर का सिंबल होता है, ठीक है ना? तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम सच दैट ए टू एक्स एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। बच्चों ये लेस देन इक्वल टू एम जो आया है ये आपका कहाँ से आया है, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन से आया है, ठीक है ना? ये बाउंडेड अबव की डेफिनेशन से आ गया। तो हमें पता चला कि ये इंटीग्रल जो है पूरा कन्वर्ज कब करेगा, जब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट ये बाउंडेड अबव होगा, ठीक है? और ये क्यों आ गया ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये इसी की तो डेफिनेशन है, इसको निकालना होता है, इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस वाले से, ठीक है? तो बच्चों ये याद रखना कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू आपका कब कन्वर्ज करता है, जब वो ए टू एक्स एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम आई, मतलब बाउंडेड हो इंटीग्रल।
चलिए अब इसी से बनाएंगे बेटा इस प्रूफ को, क्योंकि मुझे यूज़ करना था तो मैंने इसके अंदर, तो इसलिए मैंने पहले करा दिया। अब है आपके पास कंपैरिजन टेस्ट फॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। मैंने ऑलरेडी आपको कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन करा दिया है, आज टाइप टू का सीखेंगे। टाइप टू मतलब जब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपकी वो इनफाइनाइट हो तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं। बच्चों सबसे पहली बात ये याद रखा करो कि वर्ड है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन है तो दो फंक्शन आपके पास होंगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, दो फंक्शन लिए एफ और जी, टू पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। क्लियर। तो f वो होगा जिसका आंसर मुझे निकालना है और g वो होता है जो हमें मालूम होता है। जनरली हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, वैसे दूसरा भी लोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। तो बेटा कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर बड़े वाला इंटीग्रल, g फंक्शन बड़ा है ना, अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट होगा तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। तो हमने लिख दिया कि अगर a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स भी आपका कन्वर्ज करेगा। ऐसे बेटा अगर छोटे वाला ही डाइवर्जेंट आ जाएगा तो बड़े वाला भी आपका डाइवर्जेंट होगा। इसको हमेशा ऐसे याद रखना चाहिए, बड़ा कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा भी कन्वर्ज कर रहा है, और छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा भी डाइवर्ज कर जाएगा, राइट। तो आगे देखते हैं प्रूफ, देखो इसका। सबसे पहले मैंने केस ले लिया कि बड़े वाला मेरा कन्वर्ज कर रहा है, मैं शो करूंगी कि छोटे वाला भी कन्वर्ज कर रहा है। तो लेट ए टू इन्फिनिटी जी डी एक्स कन्वर्जेस, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो अभी अभी हमने ऊपर थ्योरम प्रूफ करी है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप टू का कब कन्वर्ज करता है, जब वो बाउंडेड हो। तो हमने उसी डेफ को यूज़ किया कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट ए टू एक्स जी डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये जो थ्योरम मैंने अभी अभी ऊपर प्रूव करी है उसका रिजल्ट लिखा है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये मुझे मालूम है कि मैंने ले रखा है एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। तो दो अगर एफ एक्स का फंक्शन छोटा है तो उसका इंटीग्रल भी छोटा आएगा। आपको पता है इंटीग्रल क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो एरिया फंक्शन छोटा हो गया तो उसका एरिया भी छोटा निकल रहा है, ठीक है ना। तो ए टू एक्स एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू एक्स जी डी एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब ये वन और टू दोनों इकट्ठे देखो, देखो यहाँ पर आ रहा है एफ इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन इंटीग्रल ऑफ जी, और वन कह रहा है इंटीग्रल ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब एफ वाला भी एम से छोटा हो जाएगा। तो मैंने इसी बात को लिख दिया यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m इंडिपेंडेंट ऑफ x सच दैट ये f वाला इंटीग्रल भी लेस देन इक्वल टू m आ गया। अगर ये बाउंडेड आ गया तो फिर से नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन लग गई इसके ऊपर। नेसेसरी एंड सफिशियंट मतलब कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर इंटीग्रल बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। तो a टू f dx जो आ गया ये आपका लेस देन इक्वल टू m था तो ये बाउंडेड आ गया। अगर इंटीग्रल बाउंडेड है तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो दोबारा से हमने थ्योरम इसके ऊपर लगा दी ऊपर वाली, तो हमें पता चला कि कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल जो इंटीग्रल जो होगा a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स वो कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो पार्ट वन प्रूफ हुआ हमारा कंपैरिजन टेस्ट का। अब हम प्रूफ करेंगे पार्ट टू ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट। तो देखो पार्ट टू कहता है कि अगर छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो बड़े वाला भी डाइवर्ज करेगा। तो मैंने ले लिया कि लो छोटे वाला a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स जो है डाइवर्ज कर रहा है, ये छोटे वाला इंटीग्रल है क्योंकि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। तो अगर छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन कह रही है कि अब ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब डाइवर्ज वर्ड आ गया ना, कन्वर्ज के लिए बाउंडेड होना जरूरी है, तो डाइवर्ज है तो बाउंड नहीं होगा। तो हमें अब ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव नंबर एम नहीं मिलेगा सच दैट कि ये फंक्शन बाउंडेड हो जाए। तो ए टू एक्स एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू एम के लिए अब ऐसा कोई एम मुझे नहीं मिलेगा। मैंने ये लिखा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच एम, ठीक है। बट हमें मालूम है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो उसका इंटीग्रल भी छोटा ही है। ए टू एक्स एफ डी एक्स ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए टू एक्स जी डी एक्स, ठीक है। अब इसको उल्टा करके रीड करो बच्चों, ये जहां मेरी पेंसिल है ना इसे उल्टा करके रीड करो। देखो ए टू एक्स यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ए टू एक्स जी डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू एक्स एफ डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको पता चल रहा है कि जब एफ ही छोटा आ गया, कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है कि ये इसको छोटा कर दे, ठीक है, तो ये हमारा जी के लिए भी होल्ड करेगा यही सेम रिलेशनशिप, ठीक है ना। जब एम ही एफ ही बाउंड नहीं हो पा रहा तो जी कैसे बाउंड होगा, एफ तो छोटा है जी से, क्लियर। तो हमें पता चला कि जी भी बाउंड नहीं हो रहा, अगर जी बाउंड नहीं हो रहा तो जी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो भी डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो हमने लिख दिया देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट जी आपका बाउंड हो जाए। बच्चों एफ एक्स लेस देन जी एक्स मतलब अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो इसके ऊपर है जी एक्स, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है ये फंक्शन एफ एक्स ही बाउंड नहीं हो पा रहा कहीं पर भी, तो जी एक्स कैसे बाउंड हो जाएगा क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है उससे भी, ठीक है ना। तो
तो हमारे को पता चला कि ए टू एक्स जी डी एक्स ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए। तो अगर ये बाउंड नहीं हो रहा तो ये भी डाइवर्जेंट हो गया। ठीक, तो हमें ये कंपैरिजन टेस्ट का हमारा सिंपल सा प्रूफ था। अब क्वेश्चंस देखो बेटा कंपैरिजन टेस्ट पे कैसे बनते हैं। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटरवल। बच्चों एक तो मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही टेस्ट से होगा, एक क्वेश्चन कई सारे टेस्ट से हो जाता है। ठीक है, दोनों टेस्ट लिमिट कंपेरिजन से भी हो जाता है, डायरेक्ट से भी हो जाता है और डेफिनेशन से भी हो जाता है। तो इट हार्डली मैटर्स कि मैंने अगर लिमिट कंपेरिजन से करा दिया, आपने किसी और तरीके से कर दिया, तो दोनों का आंसर ठीक होगा। ठीक, सबसे पहले बेटा देखो जब भी क्वेश्चन सामने आए तो ये देखा करो क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है तो कौन से टाइप का है। तो आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर आपको जैसे ही आपने इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन देखा 1 to infinity, तो आपको पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है। टाइप 2 के अंदर एक भी इन्फिनिटी दिखाई दे गया तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है। अब फंक्शन देख लो, डिनोमिनेटर कहीं पर भी वैनिश नहीं हो रहा 1 to infinity के इंटरवल में, तो ये सिर्फ टाइप 2 ही है, टाइप 1 नहीं है। अगर ये टाइप 1 भी आ जाता और 2 भी आ जाता तो ये मिक्स्ड टाइप का बन जाता। ठीक है, तो मुझे पता चला इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर आज तो मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट करा रही हूँ तो मैं उसी से कराऊंगी। देखो एक्स क्यूब प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स क्यूब होगा इन द इंटरवल 1 to infinity, हमेशा होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 ही है वैसे भी, राइट। तो 1 upon x³ + 5 क्या होगा बच्चों, लेस देन 1/x³। बच्चों रेसिप्रोकल लेने पे और नेगेटिव साइन लगा देने पे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर जो होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका नंबर दे दिया मैंने 1। ऑल्सो देखो बेटा रूट एक्स जो होता है हमेशा लेस देन एक्स होगा इन द इंटरवल 1 to infinity। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो वैल्यू डाल के देख लो, एक्स की वैल्यू 2 डालो, देखो रूट 2 होता है 1.414 और एक्स होता है एक्स की वैल्यू 2, तो 1.414 इज लेस देन 2। ऐसे 3 डालो, रूट 3 होता है 1.732, 1.732 इज लेस देन 3। ठीक, तो ये होगा आपके पास रूट एक्स लेस देन एक्स, इसका नाम मैंने रखा 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो देखो, ये क्योंकि सारा आंसर पॉजिटिव उसमें चल रहा है इसलिए कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, रूट एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 जो है लेस देन 1/x² आ गया इन द इंटरवल 1 to infinity। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्लियरली दोनों फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव भी हैं, तो मैं इसके आगे ग्रेटर का भी इक्वल टू 0 भी लगा लेती हूँ क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव फंक्शन होंगे 1 से infinity के अंदर। अब आप देखो अगर ये लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे तो अगर ये 1/x² वाला बड़े वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो ये छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो देखो बट मेरा इंटरवल दे रखा था 1 से infinity, 1/x² इज कन्वर्जेंट। क्यों है कन्वर्जेंट, कौन से वाला इंटीग्रल यूज किया मैंने, देखो a टू इन्फिनिटी 1 upon x²dx कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने आपको जब टाइप 2 करवाया था तब मैंने ये करवाया भी था इसका, आपको ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप रिलेशनशिप कि a टू इन्फिनिटी 1 upon xp कन्वर्जेस इफ आपका जो है पावर, मतलब x की जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो हमारी यहाँ पे x की पावर क्या है, p, तो यहाँ पे तो 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्ज कर रहा है। देयर फोर बाय कंपेरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2, फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2 हमें पता चला कि बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला भी ज़रूर कन्वर्ज करेगा। तो छोटा है 1 to infinity रूट एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 dx ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कंपैरिजन टेस्ट से, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। लिमिट से करते, लिमिट निकाल के तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन भी मुश्किल थी। ठीक है ना, चलिए और देखो बच्चों क्वेश्चन 0 to infinity e-x²dx। देखो सबसे पहली बात ये देखो, एक्स 0 से infinity के अंदर फंक्शन तो बाउंड है। ठीक है ना, ई का फंक्शन तो हमेशा बाउंड ही होता है। ठीक, इसके अंदर 0 से infinity के अंदर फंक्शन जो है आपका बाउंड है यहाँ पे जो, और ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट है। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज टाइप 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर ये टाइप 2 आपके पास आ गया इंटीग्रल तो हम इसके अंदर या तो डेफिनेशन लगाएं या फिर कोई टेस्ट लगाएं। तो देखो ई एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, वैल्यू डाल के देख लो बेशक। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स, देखो ये होता है ई एन ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन हमेशा, तो इसी तरीके से ई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स आ जाएगा। तो वन अपॉन ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वन अपॉन ई एक्स स्क्वायर का मतलब दिस, ये आ गया। अगेन हमेशा ई का ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हमेशा रहेगा। ठीक है, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस जीरो, जीरो इसलिए कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए जरा, बट जीरो टू क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आर माइनस जीरो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंगुलैरिटी का पॉइंट है। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्जेस बिकॉज आपको अभी अभी जो बताया था, ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर पी कन्वर्जेस इफ पावर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है ना, कन्वर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन, इसको यूज किया। दिस इंप्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से मुझे क्या पता चला, जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेस, बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला भी कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी दूसरे वाला ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेस, तो यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख सकते थे आप, एक सेकेंड बच्चों, देखो पहले इस वाले इंटीग्रल को जो है ना यहाँ पर ब्रेक करो, जीरो से वन ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और वन से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो है मेरा प्रॉपर इंटीग्रल, थोड़ा सा ठीक करो इस क्वेश्चन को, ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है, ये मेरा इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन की जो वो है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट था, तो प्रॉपर इंटीग्रल को तो मुझे चेक नहीं करना, मुझे तो सिर्फ वन टू इन्फिनिटी वाले को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना अब ये वन टू इन्फिनिटी कर लो, अब ये मेरे को जीरो वाला जो पॉइंट है ना ये तंग भी नहीं करेगा इधर। ठीक, अब ये आ जाएगा वन टू इन्फिनिटी, दिस ऑल्सो कन्वर्जेस, सो देयरफॉर जो गिवन इंटीग्रल था जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये जो था ना मेरे पास जीरो टू दिस प्लस वन टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्जेस बिकॉज ये भी कन्वर्ज करता है बींग अ प्रॉपर इंटीग्रल, कन्वर्ज बींग अ प्रॉपर इंटीग्रल राइट, और ये कन्वर्ज शोन अबव, कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट से करा ना हमने अभी अभी, तो दोनों के दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों कन्वर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल भी आपका कन्वर्जेंट है राइट। और देखते हैं बेटा क्वेश्चंस, देखो जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एक्स एक्स डी एक्स, अब देखो बेटा इसमें एक्स इक्वल टू जीरो डालने पे डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा है ना, तो डिनोमिनेटर वैनिश वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो इज द सिंगुलैरिटी एंड मेक्स इट अप टाइप वन सिंगुलैरिटी, और इसको ये क्या बना देगा, टाइप वन बना देगा। ऑल्सो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, अगर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो ये टाइप टू भी है, सो दोनों को मिक्स किया तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्सड टाइप, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्सड टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, मिक्सड टाइप है तो मैंने आपको क्या कहा, ब्रेक किया करो इंटरवल को, ब्रेक कर करके बना लो और फिर सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन लगाओ, तो हम क्या करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई एक्स डी एक्स, इसको ब्रेक करो किसी पॉइंट पे, सपोज कर लो मैंने जीरो टू वन और वन टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन रूट एक्स ई एक्स ले लिया। ठीक है, अब ये बना टाइप वन और ये बना टाइप टू, अब टाइप वन को टाइप वन की तरह सॉल्व करो और टाइप टू को टाइप टू की तरह सॉल्व करो, दोनों कन्वर्जेंट आ गए तो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट आएगा, एक भी डाइवर्जेंट आ जाए तो वहीं रुक जाना और फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो कंसीडर करा हमने जीरो टू वन डी एक्स अपॉन दिस, इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन, तो यहाँ पे तो टाइप वन के टेस्ट लगाएंगे ऑफ टाइप वन विद जीरो एज सिंगुलैरिटी। ठीक है ना, और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, सिर्फ जीरो सिंगुलैरिटी है, क्लियर।
तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको देखो ई एक्स हमेशा ग्रेटर देन वन होगा और हमारा इंटरवल क्या है, ऑल एक्स लाइन बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है, मुझे जो इंटरवल दे रखा है मैंने उसी में लिया है, जीरो से वन के अंदर ई एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन है, राइट। मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स ऑन बोथ द साइड्स, और रूट एक्स पे मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो रूट एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो रेसिप्रोकल लेंगे दोनों का तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, इसमें क्योंकि एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो था इसलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये चेंज हो गया। अब देखो बट वन बाय रूट एक्स डी एक्स जो है इंटरवल है जीरो टू इन्फिनिटी, ये क्या करता है आपका, कन्वर्ज करता है। क्यों कन्वर्ज करता है, क्योंकि आपके पास थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है जो मैंने करा रखा है सॉल्व आपको, एक्स माइनस ए टू दी पावर एन ए टू बी कन्वर्जेस इफ पावर इज लेस देन वन। देखो बेटा अगर टाइप वन होता है तो पावर लेस देन वन पे कन्वर्ज होता है, टाइप टू होता है तो पावर ग्रेटर देन वन पे कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है आपका, वन बाय टू, क्योंकि रूट एक्स है तो एक्स की पावर वन बाय टू है विच इज़ लेस देन वन, तो ये कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट, फॉर कंपैरिजन टेस्ट दोनों का होता है बेटा, फॉर मैंने इसका भी करा रखा है आपको टाइप वन का, फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप वन लगाया मैंने यहाँ पे, ये कराया होगा आपको सेकेंड थर्ड लेक्चर में, तो जो आपका बड़े वाला इंटीग्रल होगा वो भी कन्वर्ज कर, सेम ही होता है दोनों का कि अगर बड़े वाला कन्वर्ज करा तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ऑल्सो कन्वर्जेस, तो मुझे पता चला कि ये टाइप वन वाला तो कन्वर्ज कर रहा है, अब टाइप टू वाला और चेक कर लें। ठीक है, अब कंसीडर करेंगे हम अपना जो बाकी का बचा हुआ है, वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एक्स ई एक्स डी एक्स, ये वाला इंटीग्रल अब चेक करो जरा। देखो एक्स ग्रेटर देन वन पे चेक करना है ना, वन टू इन्फिनिटी, देखो एक्स ग्रेटर देन वन पर जो है रूट एक्स आपका ग्रेटर देन वन होता है, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, रूट एक्स की वैल्यू टू डालो, रूट टू कितना है 1.414, एक्स की थ्री डालो, रूट थ्री कितना है 1.732, सारे ग्रेटर देन वन है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय रूट ई की पावर एक्स ऑन बोथ द साइड्स, अब देखो ई की पावर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो वन अपॉन रूट एक्स इंटू दिस ये आ जाएगा, क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पर। अच्छा अब क्या आ गया आपके पास, ये यहाँ पर देखो बट वन टू इन्फिनिटी, अब मैं इसकी वन अपॉन ई एक्स की चेक कर लूँ जरा, दिस इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स, अब इसकी कन्वर्जेंस अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो मुझे दूसरे की भी पता चल जाएगी। अब इसकी चेक करने के लिए मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी डेफिनेशन में, देखो इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो वन टू बी लिमिट को हट, बी को ही हट, इसी को हटा दो, इन्फिनिटी को मैंने ऐसे ही सिखा रखा है, और बी को ले जाओ इन्फिनिटी पर। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप टू, दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, जहाँ प्रॉब्लम हो उसको हटा दो, तो वन से इन्फिनिटी जाना था मुझे तो मैं किसके रास्ते जाऊँगी, बी से जाऊँगी, तो वन टू बी कर दिया और लिमिट ले ली बी टू इन्फिनिटी। करो इसको सॉल्व, देखो ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई माइनस एक्स, ठीक है लिमिट लो, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ई माइनस बी माइनस माइनस प्लस, अब b की लिमिट डाल दो, b है माइनस इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तो मेरे पास आ गया वन, अगर लिमिट फाइनाइट आती है तो कन्वर्ज करता है, तो मुझे पता चला वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन ई एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, अगर ये बड़े वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो बाय लिमिट बाय कंपेरिजन टेस्ट सॉरी therefore by comparison test जो आपका छोटे वाला इंटीग्रल था, छोटे वाला इंटीग्रल मेरा क्या था, वन अपॉन रूट एक्स ई एक्स डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेस, ये मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का टाइप टू का कंपेरिजन टेस्ट यूज किया, तो मुझे पता चल गया मेरे दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग द अबव टू केसेस, कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स, वी गेट दैट द गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल क्या था, जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एक्स ई एक्स डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेस। तो मैंने बेटा आपको जान के ऐसा क्वेश्चन कराया मिक्स्ड टाइप का, मिक्स्ड टाइप में भी मैंने आपको जो है ये लगाना सिखा दिया कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाया जाता है। क्लियर हो गई बच्चों बात, और देखो क्वेश्चंस।
देखो क्वेश्चन है ये, पाई टू इन्फिनिटी टू प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो इसमें फिर से आप देख रहे हो कि एक्स डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पर, बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू द गिवन इंटरवल पाई टू इन्फिनिटी, तो जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ये जो है आपका टाइप वन नहीं है, हेयर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, तो ये टाइप टू है सिर्फ, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट इम्प्लाइज ये टाइप टू है। ठीक है, जीरो इज नॉट अ सिंगुलैरिटी हेयर, नॉट अ सिंगुलैरिटी हेयर, बिकॉज जीरो जो है इस इंटरवल को ही बिलोंग नहीं करता पाई से इंफिनिटी को, तो याद रखनी है बच्चों ये बात, टाइप वन नहीं है ये, टाइप टू है सिर्फ। ठीक, अब देखो मैं क्या करूंगी, मेरे को बनाना है टू प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की कोई चीज यूज करें, तो आपको पता है कॉस हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होता है। ठीक, तो इसमें अब मुझे टू प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो आई विल ऐड टू ऑन बोथ द साइड्स, तो माइनस वन प्लस टू भी कर दिया, वन प्लस टू भी कर दिया, तो ये बन गया वन लेस देन इक्वल टू टू प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री फॉर ऑल एक्स। अब मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय एक्स, तो मैं डिवाइड बाय एक्स आराम से कर सकती हूँ, कोई मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इंटरवल दे रखा है पाई से इन्फिनिटी है, इन पाई टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, पाई से इन्फिनिटी है, पाई इज 3.14, तो नंबर जो है एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन पाई है, तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वन से बड़े नंबर से आपने डिवाइड कर रखा है तो आपको ये तंग नहीं करेगा। ठीक है ना, जीरो से वन के बीच में किया होता तो भी ये कर सकता था आपको, क्योंकि डिवाइड करने पे नंबर रिवर्स हो जाता, राइट, बट ये ग्रेटर देन पाई है तो हमें कोई तंग नहीं करेगा ये। तो ये क्या है मेरा, अब दिस इज माई एफ एक्स, ठीक, एंड लेट मी टेक दिस एज माई जी एक्स। तो अब आपको पता है कि गिवन इंटीग्रल पाई टू इन्फिनिटी थ्री बाई एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। ठीक है ना, बिकॉज कौन से वाला यूज किया, a टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर p डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल टू वन। इन्फिनिटी वाले में बच्चे लेस देन इक्वल टू वन पे आपका जो है डाइवर्जेंट होता है ये, और ग्रेटर देन वन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और उस वाले पे अपोजिट होता है, देयर फोर बाय कंपेरिजन टेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पाई टू इन्फिनिटी जो गिवन इंटीग्रल था आपका टू प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स डाइवर्जेस। क्लियर, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक लॉग का करा देती हूँ, ई का भी करा दिया, साइन कॉस का भी हो गया, इसका देख लेते हैं लॉग का। ठीक है, देखो लॉग एक्स जो होता है हमेशा लेस देन एक्स होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन टू, आप वैल्यूज डाल के देख लो आपको पता चल जाएगा, तो नहीं तो याद कर लेना इनइक्वालिटी। ठीक है, वैल्यूज डाल के देखोगे तो पता चल जाएगा, ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख लूं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन टू। अब देखो मुझे आंसर वन बाय लॉग एक्स का निकालना है, मुझे आंसर वन बाय एक्स का नहीं निकालना, तो अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट होगा तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा, तो लेट मी चेक कि छोटे वाला डाइवर्जेंट है वन बाय एक्स, तो देखो दिस डाइवर्जेस जब पावर वन है तो डाइवर्ज करता ही है, बिकॉज ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर पी डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल टू वन, तो मैंने वही चीज यूज करी, दिस इंप्लाइज टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन log x ऑल्सो डाइवर्जेस बाय कंपेरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप टू। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों ये, और देखते हैं क्वेश्चन कोई रह रहा है तो हम, अच्छा ये देखो नेक्स्ट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन। ये देखो अब ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दे दिया मैंने आपको, देखो बेटा बहुत आराम से हो जाएगा, आप देख रहे हो इंटीग्रेंड इज एन पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रेंड इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ, पॉजिटिव नहीं, इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी, दिस ऐसे लिख सकती हूँ मैं। क्लियर, अब देखो जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हेयर,
जो कि डिनोमिनेटर डज नॉट वैनिश एट एक्स इक्वल टू जीरो, इट इज नाउ टाइप टू बिकॉज जो आपका ये है अच्छा ये एक्स की वैल्यू वन पर, हाँ ठीक है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपका वो इनफाइनाइट हो गया, क्लियर है। तो हम अच्छा मुझे ना आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसलिए इसको थोड़ा ब्रेक कर लेती हूँ। अच्छा ना भी आपका जो है डिसकॉन्टिन्यूटी बन मतलब वो बना रहा हो सिंगुलैरिटी, फिर भी आप चाहो तो ब्रेक तो कर ही सकते हो क्योंकि बाकी का पोर्शन प्रॉपर इंटीग्रल रह जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, मेरा प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है ना इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है टाइप टू का, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है क्योंकि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, बाकी और कोई चीज़ मुझे इसमें परेशान नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो क्लियरली x टू द पावर 4 प्लस 1 जो होगा ना ग्रेटर देन x टू द पावर 4 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। मैंने इसीलिए ब्रेक किया था जीरो पे, क्योंकि अगर जीरो लिखती तो x ये मुझे मतलब x ग्रेटर देन 1 पे आसान रहेगा इसको, जीरो पे फिर मेरे को दिक्कत होती है इसको करने में, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा अंडर रूट चाहिए, मुझे अंडर रूट ऑफ x 4 प्लस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ दिस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो 1 अपॉन दिस क्या आ जाएगा, लेस देन 1, ये ग्रेटर है ये। देखो अगर आप मैंने x इक्वल टू जीरो लिया होता तो ये नीचे यहाँ पर प्रॉब्लम आती ना x इक्वल टू जीरो लेने पर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं रहता, इसलिए हमने x को ग्रेटर देन 1 लिया। ये हमें बाद में जाने के बाद फील होता है, तो हम कई बारी पहले कर लेते हैं फिर बाद में जाके ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्लियरली ये दोनों ग्रेटर देन जीरो तो होंगे ही होंगे आपके फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, तो फंक्शन दोनों पॉजिटिव भी आ गए और ये भी आ गया। नाउ मेरे पास है 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, अंडर रूट, यानी कि ये किसके बराबर है, इसको खोल के ही लिख लेते हैं, दिस ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, बिकॉज आपके पास क्या होता है a टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर p कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। दिस इम्प्लाइज बाय कंपेरिजन टेस्ट, अगर बड़े वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला भी करेगा, तो 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेस। तो अब बेटा ये भी कन्वर्ज कर रहा है और ऊपर वाला तो प्रॉपर इंटीग्रल था ही, ठीक है, हैंस द गिवन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 ऑल्सो कन्वर्जेस, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 2। मैंने हर तरीके का बेटा एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, मिक्स्ड टाइप का भी और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टाइप भी, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।